इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो लेखांकन जिनके बारे में हमने पढ़ा कि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के इनके उपयोगकर्ता होते हैं, इस पूरे लेखांकन की अपनी एक भूमिका होती है, अलग अलग रूप में हम इसको देखते हैं। कई बार हम इन्हीं लेखों को एक भाषा के रूप में देखते हैं, यानी इन लेखों की अपनी एक अलग भाषा होती है और इस भाषा के माध्यम से वो किसी व्यवसाय की स्थिति को प्रकट कर देते हैं, ये समझा देते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि इनका संकलन अंकीय आधार पर किया जाता है, अंकों के आधार पर किया जाता है, तो वो अंक के रूप में एक ऐसी भाषा को प्रकट करते हैं जिससे हम लेखे को एक बार देख कर पढ़ कर समझ जाते हैं कि ये किस स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग तरह के लेखे रहते हैं, अगर वो लाभ हानि से संबंधित है तो वे व्यवसाय की लाभ हानि को प्रदर्शित करते हैं, व्यापार के लेखों से संबंधित है तो वो व्यवसाय में क्रय विक्रय की स्थिति को, प्रारंभिक स्कंध या अंतिम स्कंध की स्थिति को प्रकट करते हैं, और अगर वो अंतिम लेखों से संबंधित है तो वो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, स्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति या दायित्वों को प्रकट करते हैं। वैसे हम यह कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक लेखे के रूप में रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फॉर्में होती है वो ऐसा नहीं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी लेखे का निर्माण करती है और फिर अगले वित्तीय वर्ष में उसको फेंक देते हैं, फिर से नए लेखों का निर्माण होता है, ऐसा नहीं होता है। जब से वो फॉर्म स्टार्ट होती है तब से लेकर जब तक वो निरंतर चलते रहती है तब तक के लेखे उसके पास जमा रहते हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक लेखे के रूप में इनका हम संग्रह करते हैं। एक इसकी भूमिका वर्तमान आर्थिक वास्तविकता के रूप में भी होती है, यानी अगर हम चिट्ठों का निरीक्षण करें, हमने देखा कि चिट्ठे बनाने से पहले हम बहुत सारे आधारभूत लेखे तैयार करते हैं, लेकिन फाइनली अगर हम चिट्ठों का निरीक्षण कर लें तो पूरी की पूरी वास्तविक आर्थिक स्थिति किसी भी फर्म की हमारे सामने आ जाती है। तो एक ये आर्थिक स्थिति के रूप में भी एक भूमिका हमारे सामने प्रकट करते हैं। वैसे ही इसका एक रोल ये भी है कि एक सूचना तंत्र है, जैसे अभी अभी हमने जाना कि इतनी सारी सूचनाएं वित्त संबंधी, उत्पादन लागत संबंधी, मानवीय संसाधन संबंधी, लाभ हानि संपत्ति दायित्व, तो बहुत सारी संबंधित सूचनाएं हमको प्रदान करते हैं, इसलिए हम इनको सूचना तंत्र के रूप में भी देखते हैं। वैसे ही इसकी एक भूमिका होती है एक वस्तु के रूप में, फॉर्म में हम जैसे उत्पादन के बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं वैसे ही एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में हम इन लेखों को भी देखते हैं। तो ये लेखे जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बहुत सारी भूमिकाओं में अलग अलग ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। इन लेखों के अंतर्गत अगर हम बात करें इनके कुछ आधारभूत शब्द की, ये ऐसे शब्द होंगे जो हम अपने इस पूरे लेखांकन के विषय में जब तक हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते रहेंगे या इनके सिद्धांतों को, इनके जो आधारभूत, इनके जो नियम कानून हैं, जब तक हम उनको समझते रहेंगे या जब तक हम लेखा कार्यों से जुड़े रहेंगे तब तक ये शब्द हमारे आमने सामने आते रहेंगे। तो आइए इन शब्दों को एक बार अच्छे तरीके से समझ लें कि वास्तव में इनके मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम जाने व्यवसायिक सौदों के बारे में। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ही हमने जान लिया था कि लेखांकन व्यवसायिक सौदों को लिखने की एक प्रक्रिया है। तो व्यवसायिक सौदे क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी व्यवसाय में जो आय व्यय, क्रय विक्रय, लाभ हानि, बहुत सारे सौदे होते रहते हैं, इनको हम लिपिबद्ध कर देते हैं, यही हमारे लिए व्यवसायिक सौदे कहलाते हैं। दूसरा हमने शब्दों का प्रयोग किया खाता। जब से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लेखे हमारे सामने रहते हैं, इन्हीं को हम खाता कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। जितने व्यवहार हम करते जाते हैं उतने खातों का निर्माण हम करते जाते हैं। जैसे हमने किसी से माल क्रय किया तो हम क्रय खाते का निर्माण करते हैं, यानी कि परचेस अकाउंट बनाते हैं। हमने किसी को माल बेचा तो हम विक्रय खाता का निर्माण करते हैं, यानी सेल्स अकाउंट का निर्माण करते हैं। हमने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी तो क्रय तो हमने किया, साथ साथ हम स्थायी संपत्ति के लिए अलग से खाता बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाता है तो हम लेनदार के लिए खाता बनाते हैं, या हमारे पास कोई प्राप्ति उत्पन्न हो जाती है, कुछ प्राप्त होने वाला है, हम देनदार का खाता बनाते हैं। ऐसे हजारों खाते, जितने भी शब्द हमारे साथ जुड़ते जाते हैं व्यापार में, हम उन सब के लिए एक अलग अलग खातों का निर्माण करते जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि खाता
एक प्रारूप के अंतर्गत तैयार किया जाता है जिनमें उनसे संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उनकी प्रविष्टि हम करते हैं। अब हम जाने पूंजी के बारे में। पूंजी यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा बचाई गई वो राशि जिससे वो और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग वो करता है। हम देखते हैं कि जब व्यापारी व्यवसाय प्रारंभ करता है तो हम कहते हैं ना कि इसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल लेन देन की भाषा में नॉर्मल हम उसको मान लेते हैं कि जो जमा पैसा है वो पूंजी है। लेकिन वो जमा कैसे हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को रोका, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और एक पूंजी के रूप में वो आ गया। अब वो उस जमा किए गए पैसों को कहाँ लगा रहा है? और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए कहीं विनियोजित कर रहा है। तो पूंजी जमा की गई धनराशि, ऐसी राशि जिससे हम उस राशि को और बढ़ाने के लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। यहां हमको एक चीज और एक शब्द और सुनने को मिलेगा, आहरण। आहरण यानी कि एक व्यवसायी कई बार अपने ही व्यवसाय से पैसे निकाल लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए। तो जब भी कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय के पैसों में से निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाल ले तो वो राशि का आहरण कहलाता है। हो सकता है ये व्यवसायी पैसों का आहरण ना करके सामान का आहरण कर ले, यानी कि कोई कपड़े का व्यवसायी है मान लीजिए, अगर वो अपने पूरे स्टॉक में से जिसको उसने बेचने के लिए रखा हुआ है कुछ कपड़े अपने प्रयोग के लिए निकाल लेता है या अपने परिवार के प्रयोग के लिए निकाल लेता है, ऐसी कंडीशन में ये जो कार्य है ये माल का आहरण कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर धनराशि निजी प्रयोग के लिए निकाल लेना या माल निजी प्रयोग के लिए निकाल लेना आहरण कहलाता है। एक शब्द यहाँ पर आएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देनदारी यानी डेटर्स। अब व्यवसाय में सारे जो खर्च होते हैं, आय व्यय जो होते हैं, जरूरी नहीं कि वो नगद हो। कई बार हमको उधार व्यवसाय का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक व्यापारी अपने व्यापार में से उधार माल बेचता है तो भविष्य में क्योंकि उसको उधार बेचे गए माल पर पैसा तो मिलेगा, उधार बेचा है, फ्री में दिया नहीं है, वो कभी ना कभी तो उसको धनराशि प्राप्त होगी। तो जब भी वो उधार माल बेचता है वहाँ पर जो व्यवहार रहता है वो रोकड़ में न जाकर देनदार में चले जाता है, इसलिए क्योंकि भविष्य में उसको धनराशि प्राप्त होनी होती है। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, उल्टा कर दें, लेनदार व्यवसायी अगर उधार सामान बेचता है तो कई बार वो उधार सामान खरीदता भी है, ऐसी कंडीशन में उसको आज नहीं तो कल भविष्य में जिससे उसने उधार माल खरीदा है उस व्यक्ति को पैसा उसको पटाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ये जो व्यवहार है ये लेनदार व्यवहार कहलाता है, यानी जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है वो हमारा लेनदार है। इसी तरह हम देखते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के बारे में हम अभी बार बार पढ़ रहे थे कि कुछ संपत्तियां होती व्यवसाय की, कुछ दायित्व होते हैं। तो सिर्फ संपत्ति कह देने से हमारे सामने भवन, फर्नीचर इस तरह के चित्र आते हैं, लेकिन अपने आप में इनके कई वर्गीकरण होते हैं। अगर हम यहाँ पे संपत्तियों का वर्गीकरण कर दें तो ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, स्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत हम स्थायी रूप से व्यवसाय में रहने वाली संपत्तियों को शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत हम व्यवसाय का जो भवन है या व्यवसाय के जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, व्यवसाय में प्रयोग में लाई जा रही मोटर गाड़ियां हैं, इस तरह की संपत्तियों को हम इसके अंतर्गत शामिल कर देते हैं। दूसरा हिस्सा हम इसमें ले लेते हैं अस्थायी संपत्तियों का। तो अस्थायी संपत्तियों में हम शामिल करते हैं पैसा व्यवसाय का जो बैंक में जमा है या कैश इन हैंड यानी व्यवसाय के पास जो पैसा है। साथ ही साथ हम इसमें जो बहुत सारे विपत्र होते हैं जिन पे हमको धनराशि प्राप्त होनी होती है उनको भी शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ संपत्तियां अदृश्य होती हैं जिनको हम अमूर्त संपत्तियां कहते हैं, जैसे ख्याति, गुडविल व्यवसाय की एक संपत्ति है,
जिसको हम बैलेंस शीट में भी संपत्ति साइड में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देती, वो प्रसिद्धि है व्यापार की, उससे हम लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अदृश्य है इसलिए हम उनको अमूर्त या अदृश्य संपत्ति में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ प्राप्तियां भी होती हैं, इनको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक है पूंजीगत प्राप्ति और दूसरा है आगमगत प्राप्ति। अब क्योंकि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है पूंजीगत, यानी ऐसी प्राप्तियां जिनकी राशि व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर काफ़ी बड़ी होती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाली जो राशि होती है वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। और छोटे मोटी जो प्राप्तियां होती हैं माल को बेचने से संबंधित या कमीशन ब्याज बार बार जो प्राप्त होती हैं उनको हम आगमगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हम देखेंगे आय और व्यय से संबंधित। तो आय क्या है व्यवसाय की? उत्पादन करने में जो लागत आई और जितने में हमने उस उत्पादन को बेच दिया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आय है। जैसे मान लीजिए पेन बनाने वाली एक जो फैक्ट्री है वहाँ पर एक पेन जो बनती है वो 10 रुपए की बनती है और हम बेचते उसको है विक्रय मूल्य 15 रुपए में, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस 5 रुपए है वो उस एक पेन से प्राप्त होने वाली आय हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं लाभ की, यानी फर्म को होने वाला लाभ। अभी हम देख रहे थे कि जब हम फर्म के लेखे करते हैं तो उसमें हम बनाते हैं लाभ हानि खाता, यानी इसमें हम लिखते हैं कि प्राप्तियां कितनी है एक साइड, व्यय कितने हैं एक साइड, दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं। अगर प्राप्ति ज़्यादा है व्यय कम है तो लाभ आ जाता है, और अगर प्राप्ति कम है व्यय ज़्यादा है तो हानि आ जाती है। तो इनको हम लाभ और हानि मान के इनसे संबंधित जो भी लेखे होते हैं उसके अंतर्गत हम इनकी प्रविष्टियां करते हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द हमको बार बार सुनने में आएगा क्रय, यानी कि परचेस। क्रय के अंतर्गत हम उन सभी स्टॉक को, उन सामान को सम्मिलित करते हैं जिनको हम कच्चे माल के रूप में क्रय करते हैं, फिर उसको हम निर्मित करते हैं और फिर उसको हम बेच देते हैं। जो भी माल हम क्रय करते हैं उनको सबको हम परचेस या क्रय के अंतर्गत शामिल कर देते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट, जो भी माल हम बेचते हैं स्टॉक हम बाहर निकालते हैं उनको हम विक्रय मान लेते हैं। इसके साथ साथ हमको दो चीज़ें और जुड़ी हुई मिलेंगी, क्रय वापसी और विक्रय वापसी। जो भी खरीदा गया माल हम वापस कर देते हैं वो क्रय वापसी के अंतर्गत आ जाता है, और जो भी बेचा गया माल अगर वापस फर्म में आ जाता है, इसके बहुत से कारण होते हैं, तो किसी भी कारण से अगर फर्म के द्वारा बेचा गया माल रिटर्न हो जाता है वापस फर्म में, कोई व्यापारी वापस कर देता है, तो उसको हम विक्रय वापसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है माल, यानी कि गुड्स क्या है। तो ऐसा माल जिसको हम पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं वो गुड्स के अंतर्गत आता है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि माल और क्रय एक ही है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। क्रय के अंतर्गत हम जितने भी सामान क्रय करते हैं, चाहे वो कच्चा माल भी हो सकता है, निर्मित माल भी हो सकता है, सबको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन माल में सिर्फ उसी को हम शामिल करते हैं जिनको हमने विक्रय के लिए खरीदा है। जैसे कपड़े का एक व्यवसायी है, अगर वो कपास खरीदता है, कपास उसके लिए कच्चा माल है और उनको बना के फिर वो बेचेगा, तो ये कपास का जो क्रय है वो माल के अंतर्गत आ जाएगा। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कपड़े का एक व्यवसायी है, वो किसी बड़े व्यवसायी से बना हुआ सिला हुआ रेडीमेड कपड़ा खरीदता है और किसी अन्य व्यवसायी को बेचता है, तो ऐसी कंडीशन में वो पूरा का पूरा कपड़ा जो पुनः विक्रय के लिए यानी फिर से बेचने के लिए खरीदा गया है वो भी माल की श्रेणी में ही आएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है रहतिया स्कंध, जिसको हम कहते हैं स्टॉक। ये दो प्रकार के आएंगे हमारे सामने, प्रारंभिक स्कंध और अंतिम स्कंध, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। प्रत्येक व्यवसाय का एक वित्तीय वर्ष होता है, या तो वो वित्तीय वर्ष के आधार पर लेखा रखते हैं या कैलेंडर वर्ष के आधार पर लेखा रखते हैं।
अगर वो वित्तीय वर्ष के आधार पर लेखा रखते हैं तो वो 1 अप्रैल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं और 31 मार्च को क्लोज कर देते हैं, और अगर वो कैलेंडर वर्ष के आधार पर लेखा रखते हैं तो वो 1 जनवरी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं और 31 दिसंबर को क्लोज कर देते हैं। तो जिस भी आधार पर लेखे रखे जाते हैं वर्ष के प्रारंभ में, जैसे मान लीजिए वित्तीय वर्ष के आधार पर लेखे रखे गए हैं, तो वर्ष का प्रारंभ होगा 1 अप्रैल और वर्ष का अंत होगा 31 मार्च। 31 मार्च तक व्यापार में जितना सामान बिकने से रह गया वो पूरा का पूरा सामान क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम स्कंध कहलाएगा, और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले वित्तीय वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो ओपनिंग सेशन है वो है 1 अप्रैल 2020 और क्लोजिंग जो है वो है 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 को 50,000 रुपये का माल अभी भी बेचने से रह गया, यानी ये जो 50,000 रुपये है ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और जब हम 1 अप्रैल 2022 को फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे तो यही 50,000 1 अप्रैल 2022 के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमको समझना है कि ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। जिस स्कंध की यहाँ पर हम बात करते हैं, ये स्कंध केवल निर्मित माल का नहीं होता बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कच्चे माल और अर्ध निर्मित माल से संबंधित भी होता है, क्योंकि जिस वर्ष में उत्पादन किया जा रहा है हो सकता है उस वर्ष के अंत तक बहुत सारा माल निर्मित ना हो पाया हो, कच्चा माल ही पड़ा हो, तो उस कच्चे माल के स्कंध के वैल्यूएशन हम अलग से कर लेते हैं। निर्मित माल का स्कंध अगर हमारे पास पड़ा रह जाता है तो उसकी वैल्यूएशन हम अलग से कर लेते हैं, और कुछ माल ऐसे होता है जो थोड़ा बहुत बना होता है लेकिन वो विक्रय योग्य नहीं होता, जिसको हम कहते हैं अर्ध निर्मित माल। तो अर्ध निर्मित माल का जो स्कंध है उसकी भी वैल्यूएशन हमको अलग से करनी होती है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक जो महत्वपूर्ण शब्दावली हमको यहाँ सुनने को मिलेगी वो है प्रमाणक यानी वाउचर, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें जो भी लेखे किए गए हैं, जो लेन देन किए गए उन सभी लेखों का एक प्रमाण, उनका प्रमाण वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है उन व्यवसायियों के द्वारा जिन व्यवसायियों से संबंधित वो लेखे होते हैं। अब हम बात करें व्यापार में दिए जाने वाले बट्टे की, तो जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो भी ये जो बट्टा शब्द है, बट्टा वाली जो कैलकुलेशन है, इसको हमको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। पहले तो हम जान लें कि बट्टा है क्या। आप खुद देखते होंगे कि जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर अगर किसी शॉप में डिस्काउंट चल रहा होता है तो आप आकर्षित हो जाते हैं, आपको लगता है कि वहाँ कुछ छूट में, कुछ सस्ते दामों में आपको कुछ सामान मिल सकता है। तो ये वही छूट, वही डिस्काउंट बट्टा कहलाता है, जिसकी कैलकुलेशन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यहाँ पर जब हम बट्टा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि ये कौन सा बट्टा है, क्योंकि बट्टे को यहाँ हम दो भागों में बांट देते हैं, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। किस किस तरह से जो बट्टा होता है उसको हम व्यापारिक मान लेते हैं, कब हम इसको नगद समझ लेते हैं, इसके लिए हमको बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। हमको ये देखना होगा कि अगर व्यापारिक बट्टा है तो वो माल के अंकित मूल्य जो उसकी लिस्ट प्राइस होगी उस पर हमको उसको कैलकुलेट करना होता है। क्यों दिया जाता है व्यापारिक बट्टा? ताकि जो माल है उसके विक्रय को, उसके व्यापार को बढ़ाया जा सके, ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने का प्रयास किया जा सके, इसलिए हम व्यापारिक बट्टा देते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो बट्टा है वास्तव में इनवॉइस में केवल बेजक में ही हम इसकी एंट्री करते हैं, कैश में हम इसकी एंट्री कहीं पर नहीं करते। लेकिन बात अगर हम करें नगद बट्टे की, तो नगद बट्टा क्योंकि लास्ट में यानी कि भुगतान मूल्य जो होता है, जब पेमेंट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ पर ये बट्टा दिया जाता है, नगद बट्टा।
और क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जो पेबल अमाउंट होती है उसमें से डिडक्ट होता है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं और साथ साथ इसको हम कैश में भी हम इसकी एंट्री करते हैं। अब क्यों दिया जाता है नगद बट्टा? क्योंकि व्यापारिक बट्टे को हमने देखा कि वो माल के विक्रय को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, यानी मैं कह सकती एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन नगद बट्टा जो होता है वो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, यानी व्यापारी अपने कस्टमर को बोल देता है कि अगर आप जो उधारी हमने दिया है अगर तुरंत जल्दी आप इसको पे कर देते हैं तो हम आपको एक राशि इतना परसेंट हम आपको बट्टा दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो इनमें हालांकि ये दोनों ही डिस्काउंट है, दोनों ही जो पेबल अमाउंट होती है उसमें से डिडक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर हैं। तो आइए देखते हैं कि नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा में कौन कौन से अंतर हैं। व्यापारिक बट्टा व नगद बट्टा में अंतर। पहला, उद्देश्य के आधार पर व्यापारिक बट्टा विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से दिया जाता है, जबकि नगद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। दूसरा, गणना के आधार पर व्यापारिक बट्टे की गणना माल के सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से दिया जाता है, जबकि नगद बट्टे का निर्धारण भुगतान राशि के आधार पर किया जाता है। तीसरा, लेखा के आधार पर व्यापारिक बट्टे का लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया जाता, जबकि नगद बट्टे का लेखांकन पुस्तकों में किया जाता है। चौथा, बट्टे के प्राप्तकर्ता। व्यापारिक बट्टा सभी ग्राहकों को दिया जाता है, जबकि नगद बट्टा केवल उन ग्राहकों को दिया जाता है जो समय से पूर्व भुगतान करते हैं। पांचवा, बीजक में उल्लेख। व्यापारिक बट्टे का उल्लेख बीजक में किया जाता है, इसे बीजक में दिए गए माल के मूल्य में घटाकर दर्शाया जाता है, जबकि नगद बट्टे को बीजक में नहीं दर्शाया जाता। छठवां, समय के आधार पर व्यापारिक बट्टा माल के क्रय विक्रय के समय दिया जाता है, जबकि नगद बट्टा भुगतान प्राप्त करते समय दिया जाता है। सातवां, एक साथ दोनों छूट के आधार पर व्यापारिक बट्टे के साथ नगद बट्टा भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नगद बट्टे के लिए यह जरूरी नहीं है कि नगद बट्टा पाने वाले को व्यापारिक बट्टा मिला हो। आठवां, बट्टा की राशि के आधार पर व्यापारिक बट्टे की राशि बड़ी होती है, जबकि नगद बट्टे की राशि साधारणतः छोटी होती है। तो बट्टे के बारे में हमने जाना कि बट्टा क्या है, किस तरह से कब कब दिया जाता है और इनके प्रकृति के आधार पर हम इनको व्यापारिक बट्टा माने या नगद बट्टा माने। अब एक शब्दावली हमको सुनने को मिलेगी, व्यापार का स्वामी, यानी जो व्यापार का ऑनर है। इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति ने पूंजी लगाई है वो व्यापार का स्वामी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसने पूंजी लगाई है वो व्यापार का स्वामी हो, या जो व्यापार का स्वामी है उसने ही पूरी की पूरी पूंजी लगाई है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति व्यापार के स्वामी के नाम से रजिस्टर्ड है वही व्यक्ति व्यापार का स्वामी कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि ये देखना होता है कि व्यापार की प्रकृति क्या है। अगर वो एकांकी व्यापार है तो एक व्यक्ति व्यापार का स्वामी होता है, साझेदारी व्यापार है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत बताए गए नियम ये तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति व्यापार का स्वामी होगा। स्पष्ट रूप से उनको इस बात की जानकारी देनी होती है कि उस पूरे साझेदारी व्यवसाय में क्या सभी अंशधारी या सभी साझेदार व्यवसाय के स्वामी होंगे या कोई एक अमुक व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी कहलाएगा। या फिर अगर किसी प्रकार का कंपनी व्यवसाय है तो वहाँ पर भी स्पष्ट करना होता है कि उनमें से कौन सा व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होगा। इसी तरह से हम देखेंगे लेखा पुस्तकों के बारे में। तो लेखा पुस्तकों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि बहुत सारे लेखा पुस्तक हमको बनानी होती है किसी भी व्यापार के दौरान। क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, रोकड़ खाता, बैंक खाता और ऐसे बहुत सारे हजारों खाते। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा व्यापार है
और किन किन मदों के आधार पर व्यापार में व्यवहार हो रहा है। एक शब्दावली हमारे सामने आएगी प्रविष्टि यानी कि एंट्री। व्यवसाय में प्रतिदिन जो भी व्यवहार हो रहे हैं उनको जब हम जनरलाइज कर देते हैं, उनकी जब हम एंट्री कर देते हैं, यानी साधारण सी बात है, उनको जब अपने लेखों में हम लिख देते हैं तो यही लेखन प्रविष्टि कहलाता है। अब हम जान ले जीवित स्कंद लाइव स्टॉक। अगर व्यवसाय की कोई ऐसी प्रकृति है जहाँ पर जीवित स्कंद की जरूरत है, घुड़सवारी से संबंधित कोई व्यापार है तो वहाँ पर घोड़ा जो है वो संपत्ति है, वो स्कंद है, लेकिन वो क्योंकि जीवित है तो उसको हम जीवित स्कंद के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। कोई कृषि व्यवसाय है जहाँ पर बैलों की जरूरत है, बैल है, तो बैल जो होंगे वो उस व्यवसाय के लिए जीवित स्कंद कहलाएंगे। एक नज़र हम डालें डूबत ऋण पर। हमने इसके पहले पढ़ा देनदारों के बारे में, वहाँ हमने जाना कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, भविष्य में हमको उनसे पैसा प्राप्त होगा तो वो लोग हमारे लिए देनदार कहलाएंगे। हम ये मान के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं कि हमारे इतने देनदार हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पैसा वापस करें। हो सकता है कुछ देनदार खराब निकल जाए और पैसा वापस ना करें। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। एक व्यवसाय में मोहन को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा गया। अब इस व्यवसाय के लिए मोहन देनदार है। कितने का देनदार है? 10,000 का। फिर थोड़े समय पश्चात एक प्रविष्टि आपके सामने आती है, मोहन से अंतिम भुगतान के रूप में 8,000 प्राप्त हुए। अब यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया, अंतिम भुगतान, यानी अब ये मान लिया गया कि वो जो 2,000 रुपये था वो डूब गया, अब नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम मान लेते हैं ऐसा दिया गया ऋण जो डूब गया, अब उसके मिलने की कोई संभावना नहीं है, और इस 2,000 रुपये की राशि को हम डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स में इसकी एंट्री हम कर देते हैं। यानी सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी देनदारियां जिनके प्राप्त होने की कोई संभावना ना हो उनको हम डूबत ऋण मान लेते हैं। ऐसी ही एक शब्दावली हमारे सामने आएगी दिवालिया। आप सुनते होंगे कई बार कि अमुक व्यक्ति या व्यवसायी दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इसकी सीधे सरल परिभाषा हम कैसे दें? जब किसी व्यवसाय में किसी व्यवसायी की संपत्तियां कम हो जाए और दायित्व तो ज़्यादा हो जाए। एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। एसेट्स को अगर हम बेच भी देंगे तो भी इतना नहीं हो पाएगा कि उसकी लाइबिलिटी पेमेंट की जा सके। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है दिवालिया, यानी वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया। एक शब्द हमको यहाँ पर सुनने को मिलेगा कमीशन। बहुत सिंपल सा शब्द है। आप जब भी किसी का काम करते हैं, आप कभी किराना स्टोर जाते हैं कहीं भी, तो आप 100 रुपये का सामान लाते हैं तो 5 रुपये की चॉकलेट खा जाते हैं, यानी ये मान लेते हैं आप कि आपने कमीशन ले लिया 5 रुपये का। वैसे ही व्यवसाय में बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे लोग अलग अलग लगे होते हैं, व्यवसाय के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, और सहायक के रूप में कार्य करने के लिए वो अपना कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज लेते हैं, जिनको हम कहते हैं कमीशन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं व्यवसाय की, अभी तक हमने जितनी शब्दावलियों के लिए को जाना वो सब के सब व्यवसाय से संबंधित है। अब अगर हम एक लाइन में जानना चाहें तो फिर व्यवसाय क्या है? सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाभार्जन के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य व्यवसाय है। लाभार्जन के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य व्यवसाय है। हालांकि व्यवसाय, व्यापार और उद्योग तीनों को ही हम इनके प्रकृति के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अगर देखा जाए तो एक ही है, लाभ प्राप्त करना। यानी जब भी कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि वो वैध हो, तो ऐसा कार्य व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे अध्याय में हमने जाना कि लेखांकन वास्तव में है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों बनाया जाता है, किन किन नियमों के आधार पर बनाया जाता है, अलग अलग प्रकृति के आधार पर लेखांकन का निर्माण भी अलग अलग
किया जाता है। कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी सूचनाएं इसमें से प्राप्त होती हैं, किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि लेखांकन का कार्य न केवल व्यवसायी या व्यापारी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हमने जाना जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से संबंधित नहीं है, फिर भी उनके लिए किसी भी व्यवसाय में लेखा रखा जाना बहुत जरूरी होता है। लेखांकन में जितनी भी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, या जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में भी हमने जाना। अब हम आगे देखेंगे कि इन लेखांकन को किन सिद्धांतों के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है और कौन कौन से ऐसे प्रमाप होंगे जिनके आधार पर लेखों का निर्माण किया जाएगा।